नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा पंचमी विषय अंग्रेजी लेसन 12 जिसका नाम है द चित्तौड़गढ़ अग्लीपंस ऑफ ग्लोरी, यानी चित्तौड़गढ़ के सम्मान में कुछ झलकियाँ। पिछले वीडियो में हमने इस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे, शेष रह गए वो आज करेंगे। तो पहला है ट्रू फॉल्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सपना विजिटेड कोमलगढ़ फोर्ट। सपना नाम है लड़की का, विजिटेड यानी भ्रमण करना, घूमने जाना, फोर्ट यानी किला, यानी सपना ने कोमलगढ़ किले का भ्रमण किया था तो उसने नहीं किया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ फॉल्स। सेकेंड, गणेश फॉल इज द मेन गेट टू एंटर चित्तौड़गढ़ फोर्ट। गणेश फॉल मेन यानी मुख्य गेट इन दरवाजा, एंट्री इन प्रवेश करना चित्तौड़गढ़ फोर्ट, यानी चित्तौड़गढ़ किले में प्रवेश करते हैं तो मुख्य द्वार पर गणेश फॉल से प्रवेश किया जाता है, ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स। क्वेश्चन थर्ड, कीर्ति स्तंभ वॉज बुल्ड बाई राणा कुंभा, वॉज यानी था थी बुल्ड यानी निर्माण करवाया, बाई यानी के द्वारा, यानी राणा कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया, तो ऐसा नहीं है, क्या हो जाएगा, फॉल्स। फोर, मीराबाई वॉज ग्रेट डिवोटी ऑफ भगवान कृष्ण, यानी मीराबाई है वो भगवान कृष्ण की महान भक्ति, डिवोटी यानी भक्त, ग्रेट यानी महान, तो ये बिल्कुल सत्य है, मीराबाई है वो भगवान कृष्ण की महान एक भक्त थी। नेक्स्ट है वन वर्ड, वन वर्ड का मतलब होता है एक शब्द में उत्तर देना। पहला है द प्लेस वेयर द किंग एंड क्यून लिव्ड, लिव्ड इन रहना, प्लेस इन स्थान, वेयर इन जहां, किंग इन राजा और रानी, किंग इन राजा और क्यून इन रानी, यानी उस स्थान को क्या कहेंगे जहां पर राजा और रानी रहते हैं, तो उसको कहेंगे पैलेस, PALAC, राजमहल। नेक्स्ट है बी, द बिल्डिंग वेयर, बिल्डिंग यानी भवन, वेयर यानी जहां, द ओल्ड थिंग्स, ओल्ड यानी पुरानी थिंग्स यानी वस्तु है, ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट आर कीप, कीप इन रखना, यानी उस स्थान को क्या कहेंगे जहां पर ऐतिहासिक पुरानी वस्तुओं को रखा जाता है, तो उसे कहेंगे म्यूजियम। म्यूजियम का मतलब संग्रहालय। नेक्स्ट है द सन ऑफ अ किंग, सन यानी पुत्र, किंग यानी राजा, राजा के पुत्र को क्या कहते हैं, तो प्रिंस, राजकुमार। नेक्स्ट है लव ऑफ वंस कंट्री, लव यानी स्नेह प्रेम, वंस यानी एक कोई, कंट्री यानी देश, यानी अपने देश प्रेम से, देश से जो प्रेम करता है कोई, उसको क्या कहेंगे, तो पैट्रियट्स यानी देशभक्त कहेंगे उसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उनमें से चार ऑप्शन है, उसमें से जो सही है उसका आंसर लिखना है। पहला है हाउ मैनी गेट्स आर देयर टू रीच इनसाइड द चित्तौड़गढ़ फोर्ट, हाउ मैनी यानी कितने, गेट्स यानी दरवाजे, रीच यानी पहुंचना, इनसाइड यानी अंदर, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, फोर्ट यानी किला, यानी चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर पहुंचने के लिए कुल कितने गेट है, दरवाजे हैं, ए है 2, दो नहीं है, बी 4, ये भी नहीं है, और डी 6, ये भी नहीं है, सी है वो सही है, उसमें 7 गेट है, तो इसका उत्तर है वो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका दूसरा, हु बिल्ड द विजय स्तंभ, यानी विजय स्तंभ है वो किसने बनवाया था, ए में है राणा सांगा, नहीं है, बी में राणा कुंभा, फिर है पद्मिनी, फिर है राणा प्रताप, तो इसका उत्तर सही है वो बी होगा, राणा कुंभा। धन्यवाद।